हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 30। और ये 12 सितंबर से सैटरडे की आपकी वर्कशीट है। तो कई बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि हम बाकी वर्कशीट हिंदी की और SST की जो है वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। वो इसीलिए अपलोड नहीं हम कर पा रहे हैं क्योंकि हम दोनों ही यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं और हमारे जो बाकी सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो गया है और बहुत ज़्यादा उसका भी काम होता है। तो इस वजह से हम इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं कि हम आपको सारी वर्कशीट अच्छे कंटेंट के साथ अच्छी तरह से आपको समझाते हुए और अच्छे से आंसर्स आपको बताते हुए हम वो रिकॉर्ड कर पाए। तो इसीलिए फिर हम अपनी तरफ से जो हमें पता है कि हम अच्छे से इमिडिएटली टाइमली हम आपको कर पाएंगे, वर्कशीट्स बना भेज पाएंगे या वीडियोस बना पाएंगे, तो फिर हम वही सब्जेक्ट्स की अभी के लिए आपके लिए वर्कशीट्स बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी ये वाली जो वीडियोस है वो देखते रहेंगे और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। और जो बाकी वर्कशीट्स हम नहीं बना पा रहे हैं उसके लिए हमारी तरफ से बहुत सॉरी है, लेकिन हम भी बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी, हम उनसे भी बंधे हुए हैं, तो इसी वजह से हम वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज की जो इंग्लिश की वर्कशीट है जो हम मोडल्स डिस्कस कर रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में है, तो आज हम वो देख लेते हैं जल्दी से। तो लास्ट वीक आपने मोडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पे हमने वर्कशीट की थी कि कैसे पता चलता है कि कोई एक्शन या कोई वर्ब जो है वो उसके होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये हमने लास्ट वीक डिस्कशन किया था। इस वीक जो है हम करेंगे मोडल्स ऑफ परमिशन। तो अगर कोई वर्ब या कोई एक्शन वर्ड जो है वो दिखा रहा है कि आप कोई परमिशन मांग रहे हैं, तो वो कैसे परमिशन मांग रहे हैं उसको दिखाने के लिए हम जो मोडल्स यूज करते हैं उन्हें मोडल्स ऑफ परमिशन कहते हैं। तो ये कौन से होते हैं? ये तीन तरीके के होते हैं, कैन, कुड और मे। तो ये जो तीन मोडल्स हैं ये यूज होते हैं जब हमें किसी से परमिशन पूछनी होती है, कोई परमिशन मांगनी होती है कि क्या मैं ये कर लूं। तो इसको दिखाने के लिए हम इन तीनों मोडल्स का यूज करते हैं। अच्छा, मोडल्स के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती थी कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर कहीं पर आप मोडल यूज करते हैं किसी वर्ब के साथ, तो टेक्निकली एक्चुअली में सभी मोडल्स कहीं ना कहीं सही होते हैं। तो आप क्लियर कट नहीं बोल सकते हैं कि ये वाला मोडल यहाँ होना ही होना चाहिए था और ये वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मोडल्स जो है वो एक तरह से खासियत हो जाती है कि कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा, तो जो ज्यादा अच्छा लगेगा वो फिर सही हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा मोडल यूज करेंगे, कौन सा मोडल एक सिचुएशन में, एक सेंटेंस में मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, मतलब कि सबसे सही होगा। तो गलत तो एज सच कोई नहीं होता है टेक्निकली, लेकिन जो चार पांच ऑप्शंस है उनमें से सबसे सही कौन सा होगा वो आप मोडल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो आज जो हम मोडल डिस्कस कर रहे हैं वो है मोडल्स ऑफ परमिशन, जिसमें कैन है, कुड है और मे है। तो जैसे कि आप यहाँ पर परमिशन पूछ रहे हैं, कैन आई वाटर द प्लांट्स, क्या मैं पानी में क्या मैं प्लांट्स को वाटर दे सकता हूँ, पानी दे सकता हूँ। कुड आई वाटर द प्लांट्स प्लीज, तो इसमें भी इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, कुड आई वाटर द प्लांट्स, क्या मैं पेड़ों में पानी डाल सकता हूँ प्लीज। और फिर मे आई वाटर द प्लांट्स प्लीज, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कैन, कुड और मे यहाँ पर तीनों ही सही है, लेकिन अब आप सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन सी सिचुएशन में आप जो है उसको यूज करेंगे। तो वो कैसे यूज करेंगे, क्या सिचुएशन है, वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो कैन जो है वो पॉजिटिव सिचुएशन में यूज होता है कि क्या मैं ये कर लूं। जब कुछ करने के लिए आप परमिशन मांगते हैं, कुछ पॉजिटिव करने के लिए परमिशन मांगते हैं, तो आप कैन यूज करते हैं। और ये जो होता है ये थोड़ा इनफॉर्मल टोन होता है इसका। जैसे कि अगर आप किसी को बोलते हैं तू ये क्या कर रहा है, या बोलते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, या बोलते हैं आप ये क्या कर रहे हो, तो मीनिंग वाइज तो तीनों ही सही हैं, मतलब ग्रामेटिकली अगर आप देखें तो तीनों सही हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर आप अपने किसी छोटे से बोलेंगे तो आप तू बोलेंगे, आप अपने शायद हम उम्र से बात करेंगे या थोड़े बड़े से बात करेंगे तो शायद आप तुम यूज करोगे। लेकिन वहीं अगर आप जो है अपने किसी एल्डर से बात करेंगे, कोई बड़े से बात करेंगे, या फिर किसी को आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो आप का यूज करते हैं। तो आप जो है वो थोड़ा फॉर्मल भी हो जाता है, मतलब औपचारिक भी हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है कैन जो है वो इनफॉर्मल है, वो अनौपचारिक है। तो वो कैन जो है, जैसे आप तू जहां पर यूज कर रहे हैं तो उसी जगह से आप कैन भी वहां पर यूज हो सकता है। अब कैन नॉट जो है वो यूज होता है जहां पर आप नेगेटिव, तो अगर कुछ नहीं कर सकते हैं
किसी को अगर आपको ये बोलना है कि नहीं ये नहीं हो सकता या नहीं कर सकते, वहां पर कैन नॉट यूज होता है। वही कुड जो है वो भी पॉजिटिवली यूज होता है कि क्या मैं ये कर लूं, लेकिन कुड जो है वो कैन से ज्यादा पोलाइट है और ज्यादा फॉर्मल भी है, और वो इसलिए भी है क्योंकि कुड के साथ लगता है प्लीज। सो कुड आई वॉटर द प्लांट्स प्लीज। तो जैसे ही आप ऐसे इसको सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो ये ज्यादा पोलाइट और फॉर्मल हो जाता है। फिर है आपका कुड नॉट, तो जब आप बोलते हैं कि क्या ये नहीं कर सकते तो तब आप कुड नॉट यूज करेंगे, अगेन वो भी पोलाइट और फॉर्मल है। और कुड जो है वो जनरली पास्ट में यूज होता है, पर अगर आप बोलेंगे कि देखो यहाँ पर तो पास्ट वाली कोई बात ही नहीं है, कुड आई वॉटर द प्लांट्स प्लीज, ये तो आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं ये कर लूँ, तो ये करेक्ट है, इसमें कोई वो गलती नहीं है, करेक्ट सेंटेंस है ये, लेकिन ये ज्यादा पोलाइट और ज्यादा फॉर्मल है। तो अगर आप किसी अपने कॉलीग से या किसी क्लासमेट से बात करते हैं तो आप जनरली कुड यूज करते हैं, वहीं आप अगर किसी फ्रेंड से बात करते हैं या किसी छोटे से बात करते हैं तो आप कैन बोल सकते हैं। तो बस यही थोड़े से हल्का सा इसमें डिफरेंस है। मे का भी यही है, तो मे और मे नॉट भी इसी तरह से जो है मोर पोलाइट और फॉर्मल होते हैं, मतलब और भी ज्यादा पोलाइट और भी ज्यादा फॉर्मल होते हैं, और भी ज्यादा औपचारिक होते हैं। तो इसीलिए आप कभी भी जब टीचर्स से बात करते हैं या किसी बड़ों से बात करते हैं तो आप ऐसे बोलते हैं मे आई कम इन मैम, या किसी बड़े एल्डर से बात कर रहे हैं क्या मैं ये कर दूं, मे आई वॉटर द प्लांट्स प्लीज, या कोई ऑफिशियल आप काम करने जा रहे हैं तब आप मे यूज करते हैं, तो ये जो है और भी ज्यादा ये फॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, तो वो एग्जांपल्स हैं जैसे कि आस्किंग फॉर परमिशन। तो आप अगर परमिशन कैसे पूछ सकते हैं, तो अगर आपको घर जाना है तो आप बोल सकते हैं कैन आई गो होम, तो अब आपको परमिशन देनी कैसे है, तो कैन वहां पर भी यूज होता है, यस यू कैन, हाँ तुम जा सकते हो, या रिफ्यूज करने के लिए फिर कैन नॉट यूज होगा, नेगेटिव जब आप ओपिनियन दे रहे हैं तो नॉट यूज होगा, तो कैसे होगा नो यू कांट। तो कांट या कुछ नहीं है, वो कैन नॉट की ही शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैन नॉट में जो एक एन हटा दिया जाए और ओ हटा दिया जाए और उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी लगा दिया जाए तो कैन नॉट बन जाता है कांट। वैसे ही कुडंट में भी कुड नॉट में से ओ हटा दिया जाए और उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा दिया जाए तो कुडंट बन जाता है कुड नॉट। तो ये ऐसे जो है, इसी तरह से आप यहाँ पर परमिशन पूछ सकते हैं, कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज, देख सकते हैं यहाँ पर प्लीज लगते ही जो है ये और पोलाइट और फॉर्मल हो गया है। आप इसे कैसे बोलेंगे परमिशन ने, क्या बोलेंगे यस प्लीज, या फिर नो यू कैन नॉट लेटर। तो इस तरह से आप इसको परमिशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मे द चिल्ड्रन बाय अ न्यू बुक, तो यस दे मे बाय अ न्यू बुक। तो इस तरह से आप परमिशन दे रहे हैं, और कैसे नहीं दे रहे हैं, कैसे रिफ्यूज कर रहे हैं, नो दे मे नॉट बाय अ न्यू बुक। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँ कि कुछ भी यहाँ पर वो नहीं है कि बिल्कुल ये करेक्ट है या बिल्कुल गलत है, ये सब आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किसके साथ आप ज्यादा फॉर्मल होना चाहते हैं, ज्यादा पोलाइट होना चाहते हैं। तो मैं जैसे जनरली बहुत ज्यादा कुड का यूज करती हूँ, कैन मैं बहुत ही रेयरली यूज करती हूँ, क्योंकि आई प्रेफर कि जिससे भी आप बात कर रहे हैं आप उन सबके साथ पोलाइट होना चाहिए। तो ये अब आपकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस पे भी ये काफी डिपेंड करता है। तो जैसे कि यहाँ पर पहला सेंटेंस आप देख लेते हैं आपको जो करना है, तो पहला है मदर डैश आई गो टू प्ले। तो यहाँ पर एक तो प्लीज नहीं है, फिर आप परमिशन ले रहे हैं, फिर जैसे मैंने आपको कहा कि टीचर से या पेरेंट्स से या एल्डर से जब आप बात करते हैं तो आप जनरली मे यूज करते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं मदर मे आई गो टू प्ले, तो ये और भी ज्यादा पोलाइट है, तो आप ये इसका करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। सेकेंड है निधि डैश यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो अगेन आप इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कुड, ये ज्यादा पोलाइट होता है और प्लीज भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे निधि कुड यू पास अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो आप इसे देखिए बोल भी कितने पोलाइटली रहे हैं। यू डैश गो टू द पार्क वेयरिंग अ पार्टी ड्रेस, तुम पार्क में पार्टी ड्रेस पहन के नहीं जा सकते, तो आप इसको लिखेंगे यू कांट, नहीं जा सकते, तो ये प्रेजेंट में सेंटेंस है तो आप कांट लिखेंगे, यू कांट गो टू द पार्क वेयरिंग अ पार्टी ड्रेस, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। फिर है मिसेस बीना डैश गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन, मिसेस बीना जो है वो अपनी ऑफिस नहीं जा पाई थी लॉकडाउन के टाइम पे, लॉकडाउन की वजह से, तो आप यहाँ पर कुडंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पास्ट रेफरेंस भी है कि वो अपने ऑफिस लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाई थी, तो मिसेस बीना कुडंट गो। अगला है आपका सेंटेंस डैश आई आस्क व्हाट योर नेम इज, तो अगेन आप पोलाइटली पूछ रहे हैं, आप किसी का नाम पूछ रहे हैं तो थोड़ा और पोलाइट आप होना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं मे आई आस्क व्हाट योर नेम इज, तो मे यहाँ पर बेटर है, मोर अप्रोप्रिएट है।
फिर सिक्स है डैश यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, आई एम कंफ्यूज अबाउट वन क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरी वर्कशीट करने में हेल्प कर सकते हो, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो ये दिख रहा है कि आप जो है अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कैन लिख सकते हैं कि कैन यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट। वहीं पर और ज्यादा आपको पोलाइट होना होता और आप अपनी फीलिंग इसके साथ नहीं इतना ओपनली शेयर कर सकते, तो आप लिखते कि मे यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड साउंड कर रहा है क्योंकि मे यहाँ पर मे यू के साथ नहीं आएगा, तो कैन यू, क्या तुम ये कर सकते हो, तो तुम आ गया जैसे ही, तो यहाँ पर कैन आ जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कम पोलाइट है, आप अपने फ्रेंड से थोड़ा इसे डिस्कस कर रहे हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है बिफोर द लॉकडाउन यू डैश ट्रैवल एनी वेयर यू वॉन्टेड टू। तो देखिए ये पास्ट की बात हो रही है कि लॉकडाउन से पहले आप जहां चाहते थे वहां पर ट्रैवल कर सकते थे, तो आपको ये ऑलरेडी पता है, पिछली वर्कशीट में डिस्कस किया था कि कुड जो है वो जहां पर भी पास्ट रेफरेंस होता है वहां पर इसे प्रेफरेबली यूज किया जाता है, तो कुड यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। हेलो डैश आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज, तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं मे आई, तो मे आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज, तो रिक्वेस्ट है, तो आई के साथ जनरली मे यूज होता है, तो कैन और कुड यू के साथ यूज हो सकता है कि कुड यू कुड कैन यू, लेकिन मे जो जनरली है वो आई के साथ यूज होता है कि मे आई डू दिस, क्या मैं ये कर लू, तो उस तरह से मे यूज होता है। तो हेलो मे आई, तो आप यहाँ पर मे लिखेंगे। नेक्स्ट है डैश आई स्पीक टू मुकेश प्लीज, तो अगेन यहाँ पर आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं मे आई स्पीक टू मुकेश प्लीज, ये ज्यादा पोलाइट है तो मे बेटर रहेगा यहाँ पर। देखिए मैं दोबारा कह रही हूँ कि यहाँ कैन भी लिख देंगे तो कुछ गलत नहीं है, कुछ पहाड़ नहीं टूट जाएगा और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा, लेकिन ज्यादा पोलाइट यहाँ पर मे रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्लीज लिखा हुआ है, आप ज्यादा पोलाइट है यहाँ पर। लास्ट आपका सेंटेंस है दिस अनाउंसमेंट इज फॉर ऑल पैसेंजर्स यू डैश फासन योर सीट बेल्ट नाउ, ये अनाउंसमेंट जो है ये सभी पैसेंजर्स के लिए है, तो ये अनाउंसमेंट है, ये एक तरह से रिक्वेस्ट नहीं है, आपको बताया जा रहा है। आपको क्या बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि आप अपनी सीट बेल्ट अब पहन सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, एक तरह से परमिशन दे रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं यू कैन फासन योर सीट बेल्ट नाउ, तो आप ये कैन यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मे भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन कैन यहाँ बेटर सूटेड होगा, मोर अप्रोप्रिएट होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी, फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।